हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन एग्जाम 2024 में जो हुआ है उसका कट ऑफ जो है लिस्ट आ चुका है, ये आप सबको पता है। रिजल्ट जो है आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया है। तो इसमें जो कट ऑफ है उसका पूरा एनालिसिस बहुत अच्छे से किया हूँ, और इसमें ये भी आप लोगों को बताऊँगा कि फाइनल सिलेक्शन जो है कौन से स्टूडेंट का होगा। 99% यहाँ से बता सकता हूँ मैं, और रोल नंबर कुछ स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स है, 90+ मार्क्स है, फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। वो लोग देख रहे हैं कि 75 वाले का भी नाम है, बट उससे ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो भी बताने वाला हूँ। तो पूरा ओवरऑल एनालिसिस किया हूँ, और इसको कम से कम 2-3 घंटे टाइम देने के बाद पूरा कट ऑफ का एनालिसिस मैं किया हूँ और आपको बताने वाला हूँ। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से इसको समझना होगा, लास्ट तक वीडियो देखना होगा, उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो पूरा कट ऑफ फाइनल आपका एनालिसिस किया हूँ आपका, इससे पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन जो है फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस कितना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे हाँ मैं सिर्फ मैकेनिकल का बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे सिर्फ मैकेनिकल का। ये कट ऑफ आप 2 से 3 मिनट सुनेंगे ना, दूसरे ब्रांच वाले अगर देखेंगे तो वो अपना कट ऑफ एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं, और वो भी समझ जाएंगे कि उनका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, और लिस्ट में नाम है तो उनका सिलेक्शन का चांसेस कितना है। ओके, तो देखिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये पेज में भी काफी बना कर रखा था मैं। ओके, तो देखिए जनरल का कट ऑफ जो है ये 94 गया है, मिनिमम मार्क्स जो है वो कट ऑफ उसी को कहा जाता है मिनिमम मार्क्स। तो 94 पे 6 स्टूडेंट है, कितना है 6 है, 95 पे 2 स्टूडेंट है, ठीक है, यानी टोटल जो है 8 स्टूडेंट है इसमें जनरल में जो सिलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी से, ठीक है। ध्यान से सुनते रहेगा, बाद में आपको लगे नहीं नहीं 15-16 में देखा हूं जनरल में है, तो एक एक चीज आपको पता चलेगा कहां पे कितना है कैटेगरी वाइज। ओके, तो 8 स्टूडेंट है जो जनरल में क्वालिफाई किए हैं, और जनरल का जो सीट है वो है 25, ठीक है। टोटल सीट की बात कर लेता हूं पहले मैं, एक मिनट, टोटल वैकेंसी यहां पे लिख देता हूं, टोटल वैकेंसी कितना था मैकेनिकल का, 59 वैकेंसी है टोटल, 59 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से जनरल यानी अनरिजर्व का 25 सीट है, ठीक है। अब बोलेंगे तो यहाँ तो 8 ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है जनरल से, अब देखिए इसका मैजिक बताने वाला हूँ, और पूरा जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी है इसका भी मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा अच्छे से, बस ध्यान से इसको देखना है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे टॉपिक को समझने में आपको टाइम लगता है ना, वैसे ही इसको समझने में टाइम लगेगा थोड़ा। ओके, अब देखेंगे ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर है, जिसमें 93 कट ऑफ गया मिनिमम मार्क्स यानी 93, इसमें 8 टोटल 8 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, और 94 पे 25 स्टूडेंट है, 95 मार्क्स लेने वाले 15 स्टूडेंट है, और 96 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट है, 97 वाले भी 3 स्टूडेंट है। तो टोटल जो है ओबीसी में 54 स्टूडेंट है, और ओबीसी का सीट्स जो है वो है 9 सीट है, प्लस 1 जो है बैकलॉग है, एक बैकलॉग वैकेंसी था, ठीक है। तो टोटल कितना 10 सीट है, इसका मैजिक बता रहा हूँ, तो कैसे कैसे सिलेक्ट होंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 92 गया है, जिसपे 4 स्टूडेंट है, 93 पे 11 स्टूडेंट है, 94 पे 1 स्टूडेंट है, 95 पे 9 स्टूडेंट है, 96 पे 2 स्टूडेंट है, टोटल 27 कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस का टोटल सीट जो है 5 है, ठीक है। अब देखिए आपका लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो ये देखिएगा, जो भी मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा इससे कम मार्क्स आपका होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। जनरल से है तो 94 से कम मार्क्स आपका होगा तो आप एलिजिबल नहीं है, ओबीसी में 93 से अगर आपका कम मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपका नाम नहीं है, ठीक है। एससी देखेंगे, एससी का 91 कट ऑफ किया है, इसमें 2 कैंडिडेट है, 91 से जिसका कम होगा एससी कैटेगरी का होगा उसका लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। ओके,
92 पे 9 स्टूडेंट है, 93 पे 9 स्टूडेंट है, 94 पे 1 है, 95 पे 2 स्टूडेंट है, 96 पे 2 स्टूडेंट है। टोटल जो है 25 स्टूडेंट जो है एससी कैटेगरी के जो है क्वालिफाई हुए हैं, और एससी कैटेगरी में टोटल सीट्स जो है 8 है, राइट। अब देखिए, अब एसटी का कटअप जो है 85 गया है, जिसमें सिर्फ एक स्टूडेंट है 85 मार्क्स पे, 86 पे 5 स्टूडेंट है, 87 पे 6 स्टूडेंट है, 88 पे 12 स्टूडेंट है, 89 पे 4 स्टूडेंट है, 90 पे 2 स्टूडेंट है, 91 पे 1 स्टूडेंट है, 92 पे 4 स्टूडेंट है, 94 पे 1 स्टूडेंट है। टोटल 35 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं और एसटी का टोटल सीट जो है वो 12 है। ओके, टोटल सीट जो है 12 है। ओके, एससी का एक बार यहाँ पे देखेंगे, एससी का सीट एक बैकलॉग भी था, तो 8+1 होगा यहाँ पे एससी का सीट। ओके, एक बैकलॉग भी था, राइट। आगे देखते हैं पीडब्ल्यूडी। अब देखिए पीडब्ल्यूडी में कैसा है, जनरल का 85 कट ऑफ गया है, जिसमें एक स्टूडेंट है सिर्फ, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 85 पे 1 स्टूडेंट है, 90 पे 2 स्टूडेंट है, 93 पे 1 स्टूडेंट है, और पीडब्ल्यूडी का टोटल सीट जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका तो समझ जाए कि कम ही चांस है इसमें क्वालिफाई होगा। आगे बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और हाँ, एससी का 87 पे एक स्टूडेंट है पीडब्ल्यूडी में, ठीक। अगर और इसमें EWS का कोटा नहीं है, ठीक है, तो EWS नहीं है PWD में, इसलिए 85 से EWS वाले को भी 85 से जिसका कम मार्क्स है वो क्वालिफाई नहीं किए हैं, और OBCNCL में 85 से कम है वो भी क्वालिफाई नहीं किया है, और SC 87 से कम है तो भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। PWD की बात कर रहे हैं, बाकी इधर तो 91 कट ऑफ गया ही है। ओके, अब ESM है एक सर्विसमैन का कटअप जो गया है वो 63 कटअप गया है, जिसमें 1 स्टूडेंट है जनरल का, ठीक है, जनरल की बात कर रहे हैं। 64 पे 3 स्टूडेंट है, 65 पे 1 स्टूडेंट है, 67 पे 1, 69 पे 1, 71 पे 1, 72 पे 1 और 73 पे 1 स्टूडेंट है। ओके, और वहीं ओबीसी का 64 पे 1 स्टूडेंट, 66 पे 1, 73 पे 1, 74 पे 1। टोटल जो है जनरल प्लस ओबीसी मिलाकर 10 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं, और एक सर्विसमैन का टोटल सीट जो है वो है 5, टोटल सीट जो है 5 है। ओके, अब देखिए, अब गेम जो है किसका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, किसका सिलेक्शन कम है या नहीं होगा, वो मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे जनरल कैटेगरी का मतलब ये होता है, सबसे पहले ये समझेंगे कि जनरल कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जनरल का 25 सीट है, लेकिन कोई रिजर्व कैटेगरी का अगर कैंडिडेट ज्यादा मार्क्स ले लेता है तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब 94 जनरल का कट ऑफ गया है, तो 94 और 94 से ज्यादा जितने कैंडिडेट होंगे वो जनरल में चले जाएंगे, रिजर्व कैटेगरी वाले, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 25 कैंडिडेट है, यहाँ 94 पे, 95 पे, 96, 97, ये तो सभी कैंडिडेट जो है जनरल में चले जाएंगे। सभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर ओबीसी एनसीएल का एक एज होता है, ठीक है, जैसे जनरल का मान लीजिए 30 एज है और ओबीसी का 33 एज है, तो जो कैंडिडेट 30 के प्लस हो गए हैं तो वो सिर्फ ओबीसी पे ही फाइट करेंगे, वो जनरल में नहीं जाएंगे। लेकिन जिनका 30 एज से कम है, मतलब जनरल में भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं और ओबीसी में, तो और ज्यादा मार्क्स ले लिए हैं, तो ये यहाँ के कैंडिडेट जो है वो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ 54 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, तो इसका आधा ही 50% ही समझ लेता हूँ। जैसे मैं देखा हूँ कि 97, 96, 95 मार्क्स लेने वाले ये कैंडिडेट जो हैं, उनका एज भी बहुत कम है। 97 का पहला ही देखेंगे, वो 2001 का पास, 2001 का डेट ऑफ बर्थ है, ये भी मैंने अच्छे से देखा है। किसी का 2004 का भी, 2004 नहीं, 2002 का भी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, तो वो जनरल में चले जाएंगे। तो यहाँ से नहीं भी तो 30 कैंडिडेट जो होगा वो जनरल में ही चला जाएगा। जनरल सीट कितना है,
25, तो ठीक, और यहाँ पे 8 स्टूडेंट है, तो 8 प्लस 30 तो यहीं पे हो गया कितना, 38, ठीक है। ये हो सकता कि इससे भी ज्यादा कैंडिडेट जाएंगे, हो सकता कि 40 कैंडिडेट यहाँ पे चले जाएंगे, 1:3 के रेशियो में सिलेक्ट करना है। तो ये जो दो कैंडिडेट है इसमें, इन लोगों के बहुत कम चांस है, 20% चांस है कि ये सिलेक्ट होंगे जो जनरल कैटेगरी में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन ये कोई 100% गारंटी नहीं, आपको उदास नहीं होना है कोई अगर ऐसे वीडियो देख रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए उदास नहीं होना कि हो सकता है इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं होगा, फॉर्म गलत भर दिए होंगे, मार्क्स फिट या मेडिकली फिट नहीं हो, बाद में मेडिकल एग्जाम होगा तो ये सारा चीजें मायने रखता है। तो यहाँ पे भी कुछ चांस है लेकिन बहुत कम चांस है, ऐसा मानकर चलिए, ठीक है। और बाकी जिस पे कट ऑफ गया है ना, जो भी कैटेगरी है जिसने मार्क्स पे कट ऑफ गया, उनका बहुत कम चांस है कि उनका सिलेक्शन होगा, मतलब 20% ही मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ हो गया। अब देखिए, ओबीसी कैंडिडेट है, अभी भी 10 सीट है यहाँ पे, तो ओबीसी कैंडिडेट जो है अगर उनका 94 तक भी मार्क्स है, 93 का कम चांस है, मतलब 50% चांस है सिलेक्शन का, फाइनल सिलेक्शन का, 94-95 मार्क्स है, ये तो 96-97 ये तो सिलेक्ट होंगे ही, बाकी इनका जो है इनका भी 99% सिलेक्शन का चांस है, 94-95 अगर है ओबीसी एनसीएल में है तो। ओके, आगे देखते हैं, एक सर्विसमैन का 92 पे कट ऑफ गया है, सॉरी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, ठीक है, तो 93 पे 11 है, टोटल यहाँ पे सीट कितना है, 5 सीट है। ये सीट जो है ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का ही एक सीट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 95 से लेकर 96 तक कितना, 11 कैंडिडेट है, 11 कैंडिडेट तो यही हो गए, तो इनका चांसेस है कि इसी में से 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये दो कैंडिडेट जो हैं 96, 95 और 94, यानी टोटल 12 एक कैंडिडेट हो गए जो कि जनरल में भी क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि ये यहाँ से जनरल में भी चले जाए, ये यहाँ से जनरल में चले जाएंगे तो जनरल वाले के लिए बहुत दुख हो जाएगा, ठीक है, उनका सिलेक्शन और चांसेस कम हो जाएगा, ये अगर जनरल में चले गए तो फिर यहाँ पे ये चांस बनता है कि 93 जिसके मार्क्स है ईडब्ल्यूएस में उसका भी सिलेक्शन का चांस बनता है 90%, ठीक है, और 92 पे 50% चांस बनता है, ठीक है, और यहाँ तो भाई यहाँ पे तो 99% चांस है कि इन लोगों में से सिलेक्शन होगा, लेकिन सीट इसी में से होगा लेकिन किसका होगा, अब ये भी देख लीजिए, इस पे 9 कैंडिडेट है 95, तो जिसका एज सबसे ज्यादा होगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, या पेपर टू पेपर वन का मार्क्स कुछ है कि पेपर टू में जिसका ज्यादा होगा उसका होगा, दूसरे नंबर में डेट ऑफ बर्थ देखा रहेगा, तो जो भी ज्यादा एज के हैं उनका ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से सिलेक्शन होगा, 99% बोल रहा हूँ, तो इसी में से लिया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि 5 स्टूडेंट को ही तो सिलेक्ट करना है ना, तो इसमें लेकिन चांसेस है थोड़ा ज्यादा। ओके, एससी कैटेगरी है, इसमें 91 कट ऑफ गया है जिसपे 2 स्टूडेंट हैं, तो 91 से कम मार्क्स जिसका होगा एससी में क्वालिफाई नहीं किया होगा, हाँ, तो इसमें 9 सीट है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे भी देखिए गेम 94, 95, 96, ये 2, 2, 4, 1, 5, 5 स्टूडेंट है, ये 5 स्टूडेंट है जो कि चले जाएंगे जनरल में, ठीक है, जरूरी नहीं है ये भी, क्योंकि इस 5 स्टूडेंट में हो सकता है कि 3 कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट जो होंगे वो जनरल का एज पार हो गया होगा, वो एससी के का जो क्राइटेरिया है उसी में फुलफिल कर रहे होंगे, 2-3 कैंडिडेट हो गए ज्यादा से ज्यादा, तो यहां से समझिए कि 2 कैंडिडेट तो कम से कम यहाँ जनरल में जाएगा ही, तो यहां से 2 कैंडिडेट जनरल में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचता है तो इनका तो चांसेस है ही कि ज्यादा सिलेक्ट होने का, क्योंकि 9 सीट है, तो 94, 95, 96 यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट जिसका बराबर होगा 100% सिलेक्शन ये पांचों कैंडिडेट का हो जाने वाला है, क्योंकि 9 सीट है, ठीक है। 93 पे भी 1-2 का सिलेक्शन होगा, 92 पे भी 1-2 का सिलेक्शन होगा, ठीक है।
तो 92 तक जो है इस पर 90% चांस है और 91 पे जो है उसका 50% चांस है कि फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके और लिस्ट है देखते हैं। अब एसटी कैटेगरी है 85 कट ऑफ है जिसपे एक कैंडिडेट है। ओके टोटल सीट 12 है एसटी का। तो यहां से देखेंगे एसटी के लिए, अब देखिए एसटी का मार्क्स ऐसा है यहां से देखेंगे तो ये जनरल्स के ही फाइट करेंगे। जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे ना वो ज्यादा मार्क्स होगा तो जनरल में ही जाएंगे। जनरल मतलब सबके लिए होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसटी वाले एससी में चले जाएंगे या ओबीसी में चले जाएंगे, नहीं वो जनरल में ही जाएंगे और जितना उनका सीट है अपना वो सीट है ही। मतलब ऐसे समझिए कि एसटी का 12 सीट है, ठीक है, और जनरल का 25 है। तो एसटी का 12 प्लस 25 सीट कहलाएगा और एससी का मान लीजिए 9 सीट है और 25 सीट जनरल का है तो 8 प्लस 25 होगा। ओबीसी का 10 सीट है और जनरल का 25 तो 10 प्लस 25 ओबीसी के लिए सीट है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बताना है अभी। तो यहाँ पे देखिए 94 का पे एक ही स्टूडेंट है तो इसी का चांस है कि कहीं जनरल में ये जा सकता है क्योंकि 94 जनरल का कट ऑफ है, ठीक है। बट ये एज क्राइटेरिया में फुलफिल बैठता होगा तो, और नहीं तो एज 30 के अबव हो गया होगा तो ये रहेंगे भाई साहब अपने कैटेगरी में ही और इनका सिलेक्शन जो है ज्यादा चांस है कि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 प्लस 25 सीट है तो एक ही कैंडिडेट जो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 12 प्लस 1 13 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। 13 कैंडिडेट का यहाँ से सिलेक्शन होगा तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ तक 88 मार्क्स तक ज्यादा है चांसेस कि सिलेक्शन होने का। मतलब 90% चांस है इसका, जो सिलेक्शन का 80% चांस है, इसका सिलेक्शन का 60% चांस है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 35 कैंडिडेट है। अब देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का एक अलग कोटा है, इसमें टोटल सीट जो है वो 2 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट है। अब जनरल में 85 पे 1 स्टूडेंट है और ओबीसी एनसीएल में 85 पे 1 है, 90 पे 2 है, 93 पे 2 है, तो इसका तो समझिए कि चांसेस है कि 10% है सिलेक्ट होने का, ठीक है मेरे हिसाब से। ओके ओबीसी नॉन क्रिमिलियर जो है तो यहाँ पे 85 है, इसका भी थोड़ा चांस बनता है और 90 पे 2 कैंडिडेट है, 93 पे भी 2 कैंडिडेट है, तो यहां से किसी कैंडिडेट का अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहां से कोई रिजेक्ट हो जाता है और यहां से भी एक रिजेक्ट हो गया तो 85 वाले का चांस बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो 90 to 93 वाले कैंडिडेट है, 2 सीट है, मतलब 2 सीट समझिए कि इसी में इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ एक 87 का भी कैंडिडेट है एससी, इसका फिक्स है, अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर होगा तो 99.99% इसका सिलेक्शन जो है वो फिक्स है, इसका कोई खा नहीं पाएगा सीट, ठीक है। तो एक हो सकता कि यहाँ से और एक कैंडिडेट यहाँ से जाएंगे। ओके क्योंकि यहाँ वाले तो चले गए जनरल का सीट खत्म और यहाँ वाले बच गए तो इसका एक सीट तो देना पड़ेगा तो यहाँ पे रहेगा। तो बोल सकते हैं कि 93 वाला एक कैंडिडेट या 90 वाला और एक कैंडिडेट ये रहेगा। एक सर्विसमैन की बात करें तो इसमें टोटल 5 सीट है, 63 कट ऑफ गया है जनरल का। ओके अब देखिए मामला यहाँ पे क्या है। ओबीसी एनसीएल में 73-74 पे भी यहाँ पे मार्क्स है तो यहाँ वाले जो 71-73 तक जो है यहाँ उनका नहीं होने वाला है, ठीक है। नहीं यहाँ तक 72 तक है यहाँ इनका तो होना मुश्किल है ना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा कम चांस है लेकिन फिर भी 5 सीट है तो 1 2 3 4 सीट जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो यहां से कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडिडेट यहां से सिलेक्ट होंगे, यहां से ज्यादा नहीं होंगे, यानी 66 से लेकर 74 तक यहां 2 कैंडिडेट या 64 का भी चांसेस है और 2 कैंडिडेट यहां से सिलेक्ट होंगे 64 से लेकर 73 तक, ठीक है, 3 कैंडिडेट यहां से सिलेक्ट होंगे तो ये 5 जो है टोटल सीट यहाँ पे बैठता है तो टोटल 10 में 5 सीट यहाँ पे है, 10 ही कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हैं। तो इस टाइप से आप चीजों को समझ सकते हैं हो।
और जितना मैं एनालिसिस किया हूँ अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा एनालिसिस है, कोई ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है और मैं डराने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को या कुछ ऐसा नहीं है। ये कुछ भी इसका गारंटी नहीं है, वहाँ पे जाने के बाद कुछ भी चेंज हो सकता है, इधर उधर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं मेरी जो समझदारी है रिजर्वेशन के ऊपर और सीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और जो एनालिसिस किया हूँ उस हिसाब से मैं बताया हूँ। अगर कोई चीज़ें छूट गया है मेरे से, कोई नंबर छूट गया हो या कोई नंबर ऑफ सीट छूट गया हो, तो उसके लिए सॉरी रहेगा, ठीक है। वो आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं, जितना मुझे समझ में आया उतना मैं बता दिया हूँ। और हाँ, एक चीज़ है कि एक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में भी आपको कुछ सीट दिख रहा था कि उसमें भी मैकेनिकल है, तो सीट 59 से ज़्यादा होगा जो 59 सीट है, तो नहीं। एक बार बाद में नोटिस आ गया था कि ई एंड एम वाला जो सीट है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एनालिसिस है, कटअप वगैरह जो पूरा मैं निकाल रहा हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेरी होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई मैसेज करके नहीं बोलेगा कि मेरा इतना मार्क्स है लेकिन मेरा इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। अगर इसके अलावा है तो अगर वीडियो को अच्छे समझना होगा, जो भी ऐसा मैसेज करेगा उसको मैं इस वीडियो का लिंक शेयर कर देने वाला हूँ, ओके। बात एक वीडियो आएगा, उसमें मैं बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और कैसे आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ओके। और जो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो ज़्यादा टेंशन ना ले। कोई एग्जाम लाइफ में एक ही नहीं है, और भी एग्जाम आएगा, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहे। जहां आपकी किस्मत है वहां जाएगा, आपका सिलेक्शन जहां होना होगा होगा, और नहीं सिलेक्शन होगा तो भी आप लाइफ में जहां पहुंचना होगा आपको जरूर पहुंच के रहेंगे, और कुछ ना कुछ तो जीवन में अच्छा हो ही जाएगा, और सबके साथ होता है, ठीक है। मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था लेकिन ठीक ठाक है अभी लाइफ, ठीक है। मेडिकल वेरिफिकेशन में कहीं इंटरव्यू में तो कहीं मेडिकल में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, कलर ब्लाइंड, पार्शियली कलर ब्लाइंड था, उसमें भी रिजेक्ट हुआ हूँ। तो वो कुछ भी नहीं मायने रखता है, जो आपके लाइफ में होगा वो होगा। ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिए, आप अपने जगह पे, अच्छे जगह पे जरूर पहुँच जाएंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट, और प्रिपरेशन करते रहें, और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दूसरा एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन करें तो आप हमारे टुटलेज अकेडमी ऐप पे कोर्स ज्वाइन करके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।